हाई स्टूडेंट्स दिस इज आई फ्रॉम विजडम कॉमर्स क्लासेज एंड वेलकम टू अर वीडियो ऑफ अकाउंट्स सो टूडे वील टू डू सम नंबर टेन विच इज गांड पेज नंबर टू फोर्टी नाइन ऑफ दि जोशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सो श्वेता नूपुर एंड सानी का थ्री पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस इज इन द रेशियो थ्री टू इज टू वन सो हमें उनका प्रॉफिट एंड लॉस चाहिंग रेशियो दिया हुआ है आगे हमें बैलेंस शीट दी हुई है सबसे पहले कैपिटल के अंदर श्वेता एंड नूपुर तो कैपिटल लाइब्रेरी साइड दिया हुआ है तो कहाँ आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो हम उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड सन्ड्री असेट्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स और असेट्स को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड कैश एट बैंक दिया हुआ है तो वो बैंक के डेबिट में आएगा एंड सानिका का कैपिटल असेट में दिया हुआ है मतलब डेबिट साइड आएगा सानिका के कैपिटल में डेबिट साइड मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट्स द फॉर्म इज डोल्व एज ऑन थर्टी फर्स्ट मा थाउज नाइटीन पूरा फॉर्म डिजोल्व चुका है एंड संड्री एस एड रियलाइज्ड रियलाइज मतलब पैसा आना सो बैंक इज द रिसीवर सो बैंक के डेबिट में और रियलेशन के क्रेडिट में उसका सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी परसेंट ही आएगा नेक्स्ट इज रिलेशन एक्सपेंस टू थाउजेंड इज पेड बाई श्वेता तो श्वेता बेसिकली लाइबिलिटी लेकर जा रही है उसको जो हमें खर्चा है वो लेकर जा रही है तो यहाँ पर श्वेता क्रेडिट होगी एंड रियशन एक्सपेंस रियशन हमारे लिए एक्सपेंस है डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसिस तो ये क्या होगा रियन अकाउंट टू श्वेता अकाउंट नेक्स्ट इज नूपुर एंड सानिका बोथ आर कम्प्लीटली इंसॉलेंट दोनों ही एकदमेंट हो चुके स्टूडेंट तो ये हमें याद रखना है नूपुर प्राइवेट स्टेट तो हम जब दोनों के घर पे छानबीन करने गए तो नूपुर के घर से हमें क्या मिला सर प्लस ऑफ थ्री थाउजेंड मिला और सानिका के घर से सर प्लस ऑफ एट थाउजेंड मिला सर प्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसे मिले तो ये दोनों पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे बैंक के डेबिट में बैंक के डेबिट में और इन पार्टनर्स के दिया द गिवर तो उन पार्टनर के क्रेडिट में तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और नूपुर को भी क्रेडिट करेंगे और सानिका को भी क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर एंड फाइनल स्टूडेंट्स हमें आउटसाइडर्स लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी मैंशन नहीं किया हुआ है तो हमें वो पैसा चुकाना होगा ऑब्वियसली संड्री क्रेडिटर्स नाइनटी फाइव थाउजेंड हमें चुकाना होगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी एस्टेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो जब कभी मेंशन नहीं किया होगा तो भी आउटसाइडर्स को लाइब्रेरी चुकाना कंपलसरी है तो बैंक रियलाइजेशन uh, के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में सो स्टूडेंट्स ये हमारा टाइप थ्री ऑफ पार्टनर डिजोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर हम सब कुछ सिमिलरली करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो दो पार्टनर इंसॉलेंट हो चुके हैं उसका हम डेफिशियंसी वाला अमाउंट किस में ट्रांसफर कर देंगे जो बचा हुआ एक सोलवेंट पार्टनर है उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे सो लेट्स सी इन द सम हाउ आर वी गोइंग टू डू इट लेट्स लेट्स स्टार्ट स्टार्ट सो विद द सम स्टूडेंट्स इज

लाइब्रिटीज अकाउंट पहले मैं हेडिंग दूंगा विच हैज़ टू भी अंडरलाइन विद अ पेंसिल बच्चों को पेंसिल से एंडरलाइन करनी है और हमें क्या दिया हुआ है सेंडरी क्रेडिटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर एंड द अमाउंट इज गिवन टू अर सेंडरी क्रेडिटर्स दैट इज नाइन्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ आफ्टर दैट हमें असेट्स दिए हुए सो so यहाँ पे हेडिंग देंगे फिर से टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट अगेन दिस हैजू भी विद अ पेंसिल फिर यहाँ पर हम लिखेंगे असेट्स। और अमाउंट कितना दिया हुआ थाउजेंड रुपीज अब क्या दिया हुआ है कैश एट बैंक दिया हुआ है सो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट दिया हुआ है फाइव थाउजेंड रुपीज हमारे बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंड फाइनली कैपिटल अकाउंट सानिका का असेट में दिया हुआ है तो डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन सानिका थर्ड पार्टनर है अमाउंट इज

सो वन लैख सिक्सटी थाउजेंड का हम रफ में करेंगे वन लैख सिक्सटी थाउजेंड इंटू कितना परसेंटेज दिया हुआ है सिक्सटी परसेंट तो अपन हंड्रेड करेंगे दो जीरो कट सो वन लैक ये क्या होगा सिक्सटीन थाउजेंड इंटू सिक्स हो जाएगा ट्री जीरो सिक्स जीरो थर्टी सिक्स थ्री कैरी सिक्स दैट कम्स टू नाइनटी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ सो हम आप लिखेंगे नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ सो so, बैंक के घर पे रियलाइजेशन रियलाइजेशन के घर पे बैंक नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ मूविंग फॉरवर्ड क्या दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस ज पेड बाई श्वेता तो श्वेता ने क्या लिया हमारी लाइबिलिटी ली है स्टूडेंट्स कोई एक्सपेंस चुकाना था वो हमने लिया है सो so यहाँ पर क्या आएगा रियलाइजेशन डेबिट होगा और श्वेता का अकाउंट क्रेडिट होगा तो रियलाइजेशन के हम क्या लिखेंगे टू श्वेताज टू श्वेताज कैपिटल अकाउंट और यहां पर लिखूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस श्वेता पे करने वाली है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट हमें दिया हुआ इश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ टू थाउजेंड रुपीज है इजेशन so, के घर पर श्वेता तो श्वेता के मैं यहाँ पे मैं यहां पे लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा श्वेता के अंदर टू थाउजेंड रुपीज आ जाएगा अब स्टूडेंट हमें ये मेंशन नहीं किया है कि हमें आउटसाइडर्स लाइब्रिटी चुकानी है तो इट इज वेरी ऑब्वियस हमें समझने वाली बात है नहीं भी मैंशन किया होगा तो हमें पैसे चुकाने ही होगे पैसे चुकाने हो तो क्या होगा रियलाइजेशन टू बैंक आएगा तो रियलाइजेशन के पे मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट लिखूंगा सबसे पहले टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन के घर पे बैंक तो बैंक के घर पे यहां आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और क्या चीज है स्टूडेंट्स सेंड्रिक क्रेडिटर्स है जो आउटसाइडर्स लाइब्रेरी उसको चुकानी कंपलसरी है सेंड्रिक क्रेडिटर्स कुछ भी मेंशन नहीं किया अमाउंट तो हम सेम अमाउंट लिखेंगे नाइन्टी फाइव थाउजेंड रुपीज तो रियलाइजेशन के घर पे बैंक बैंक के घर पे रियलाइजेशन यहां पर आ जाएगा नाइनटी फाइव थाउजेंड रुपीज ओके okay, आफ्टर हमें ये बताया गया है और सानिका थर्ड पार्टनमेंट दोनों घर पे चानबीन की उसके सरप्लस में उसके घर पे हमें तीन हजार रुपए मिले एक्स्ट्रा और सानिका के, के घर से आठ हजार मिले तो हमारे पास पैसा आ रहा है ऑब्वियसली पैसा आ रहा है स्टूडेंट्स तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे कौन कौन है नूपुर है और है तो मैं यहां पे पहले नुपुर का नाम लिखूंगा टू नुपुर कैपिटल अकाउंट और यहां पे आएगा टू कैपिटल अकाउंट इन दोनों के घर से हमें कुछ पैसे मिले हैं पहले नुपुर है नूपुर के घर पे तीन हजार मिले हैं एंड नेक्स्ट सानिका के घर से हमें कितने मिले हैं आठ हजार मिले हैं अब क्या करेंगे देंगे, बैंक के घर पे नूपुर सानिका तो नूपुर सानिका घर पे बैंक आएगा बाय बैंक अकाउंट और लेट्स पहले नूपुर के घर पे थ्री थाउजेंड आएगा और सानिका के घर पे एट थाउजेंड रुपीज आएगा और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा, पूरा सम होता हुआ समाप्त अब हम बढ़ेंगे टैली करने की और हमारे दो पार्टनर तो इन्सॉलेंट हो चुके हैं सो वी विल सी हाउ टू टैकल दैट पार्ट लेट मी चेक विद साइड इज हैवी आई फील माई डेबिट साइड इज मोर है और ये ज्यादा दिख ही रहा है मुझे so 3, तो वन लैख सिक्सटी प्लस नाइन सेवन कितना होगा टू लैख सिक्सटी और तीन तो टू लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड दिख रहा है टू लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड दिस इज ऑल्सो टू लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड अब टू लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड में से इसमें माइनस करना है मुझे सो टू लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड माइनस करेंगे वन लैख कुछ है और इसमें पांच इसमें चार कम तो वन लैख नाइन्टी वन थाउजेंड आ रहा है ओके जीरो जीरो तो माइनस करेंगे सेवन सेवन गया सिक्स आएगा फिफ्टीन में से नाइन जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स सिक्स आएगा और ये वन और ये जीरो जाएगा तो सिक्सटी सिक्स थाउजेंड रुपीज आ रहा है हमारा लॉस अब ये सिक्सटी सिक्स थाउजेंड को हम क्या करेंगे तीनों पार्ट में डिवाइड करेंगे इनका रेशियो थ्री इज टू टू इज टू वन दिया वन वन ग्यारह हजार आएगा सो ग्यारह हजार इंटू थ्री कितना होगा थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री ट्वेंटी टू थाउजेंड और इंटू वन करेंगे तो इलेवन थाउजेंड तो हमने सिक्सटी सिक्स को क्या कर दिया पहले सिक्स से डिवाइड किया है फिर मल्टीप्लाई कर दिया इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ओके तीनों का नाम लिखेंगे श्वेता नूपुर सानिका सो श्वेता नुपुर एंड फाइनली वी हैव सानिका हम वन टू थ्री हम क्या लिखेंगे बाय नेट लॉस बोलेंगे बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा हैवी है ट्रांसफर है. करेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओके सो यहां से रिलेशन के हेल्प पे पार्टनर्स इसको हम ऑनलाइन करेंगे पेंसिल से अच्छे से एंड पार्टनर्स के रिलेशन तो यहाँ पे हम टू तो नेट लॉस लिखेंगे टू तो नेट लॉस डेबिट साइड आएगा ब्रॉड डाउन अमाउंट कितना है थर्टी थ्री थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड इलेवन थाउजेंड तो स्टूडेंट इन दोनों में हमें क्या करना है पहले दो पार्टनर क्या हो चुके हैं इन्सॉलेंट हो चुके हैं तो पहले इन दोनों का साथ में क्लोज करेंगे तो लेट मी चेक डेबिट साइड नूपुर का डेबिट साइड इज हैवी है यहाँ पे भी ट्वेंटी टू थाउजेंडी है एंड ट्वेंटी टू माइनस एटीन हाउ मच फोर थाउजेंड आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग साथ में क्यों कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है नूपुर और सानी का दोनों ही इंसॉलेंट हो चुके हैं प्रीवियस सब में ऐसा नहीं दिया था स्टूडेंट्स यहाँ पे नुपुर और सानी का दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं टेन प्लस इलेवन कम्स टू ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अब ये दोनों पार्टर इंस्टॉल्ड हो चुके तो दोनों भी एक भी रुपया नहीं चुका पाएंगे स्टूडेंट्स अब जब ये दोनों एक भी रुपया नहीं चुका पाएंगे तो हम ये किस को ट्रांसफर कर देंगे श्वेता को ट्रांसफर कर देंगे तो दोनों के घर पे किसका नाम आएगा श्वेता का नाम आएगा श्वेता कैपिटल अकाउंट अब पहले नूपुर से स्टार्ट करेंगे नूपुर के घर पे श्वेता तो श्वेता के घर पे मैं यहाँ पे नूपुर का नाम लिखूंगा टू नूपुर कैपिटल अकाउंट और कितना अमाउंट है फोर थाउजेंड आएगा फोर थाउजेंड और फिर से अब यहाँ पे सानिका के घर पे श्वेता तो श्वेता सा, सानिका के घर पे श्वेता तो श्वेता के घर पे सानिका का नाम आएगा टू सानिकाज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा तेरह हजार रुपया तेरह हजार रुपया सो so, हमने ये दोनों अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया है थर्ड पार्ट अमाउंट ट्रांसफर कर दिया बिकॉज श्वेता ही सॉल्वेंट एक सिर्फ है सो लो लेट मी चेक विच साइड इज हैवी है दिस सिक्सटी फाइव प्लस टू ये सिक्सटी सेवन है ये थर्टी थ्री और ये तो कुछ थोड़ा ही होगा ओके तो सिक्सटी सेवन थाउजेंड इज हैवी और क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी है यहाँ पे भी सिक्सटी सेवन थाउजेंड आएगा एंड सिक्सटी सेवन थाउजेंड माइनस तो हम माइनस करेंगे सिक्सटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ है और माइनस ये कितना है थर्टीन और ये पास सत्रह होता है तो थर्टी थ्री अच्छा पचास हज़ार होगा तो दैट कम्स टू सत्रह हज़ार आएगा सेवनटीन थाउजेंड रुपीज़ थाउजेंड रुपीज आएगा अब ये कहां से ट्रांसफर होगा श्वेता से बैंक में ट्रांसफर होगा तो मैं यहाँ पे बैंक का नाम लिखूंगा टू बैंक अकाउंट सो क्या होगा श्वेता के घर पे बैंक तो बैंक के घर पे क्या आएगा स्टूडेंट्स श्वेता आएगा बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट और अमाउंट दिया हुआ है सेवनटीन थाउजेंड सो लेट्स चेक पहले क्रेडिट साइड कर लेंगे सत्रह हजार कितना होगा वन लैख वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड आएगा स्टूडेंट्स और यहां पे भी देख लेते कितना आएगा 96 plus 5, 1 ये 1 4, 1 4 plus 8 कितना ये कितना होगा भी 1 ,00, हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सम होता हुआ कंप्लीट फाइनली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अब हम सम को अंडरलाइन करेंगे आई होप यू वनडे स्टूडेंट है सम दोनों पार्टनर हमने साथ में क्यों किया इस बार में नूपुर और, और सानिका दोनों ही इंसॉलेंट हो चुके थे जब दोनों हो गए थे तो दोनों को साथ में हमने कंप्लीट कर दिया अनलाइक प्रीवियस सम प्रीवियस सम में हमें पहले बताया था कि सिर्फ एक ही पार्टनर इंसॉलमेंट हुआ है तो हमने एक एक बारी बारी में किया था ओके सो दिस दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ आर पार्टनरशिप दिस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जिसके अंदर दो पार्टनर क्या हो जाते हैं इंसॉल्ट हो जाते हैं तो जो थर्ड पार्टनर होगा स्टूडेंट उसको सारा पैसा चुकाना होगा पार्टनरशिप फॉर्म का या अगर कुछ सरप्लस भी बचा हुआ तो उसको हकदार होगा उस चीज के बारे में ओके सो वी वीव कम्प्लीट एंड पेनलाइन भी कम्पलीट कर दिए Thank you so much, friends. Have a nice day. Bye-bye.